सो गाइज, ये जो चीज है ना, आप अपनी शॉप में जरूर रखा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो अभी हूँ मैं शॉप में और अभी मैंने एक वीडियो शूट की है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जिस जिसने भी नहीं देखी है वो देख सकते हो, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अभी मैं हूँ शॉप में और आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो कैसा सा माहौल होता है मेरी शॉप में। सो ये जो बॉक्सेस है ना, यहाँ पर मैं फोन रखती हूँ और उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी के ऊपर मैं फोन रखती हूँ, फिर वीडियोस बनाती हूँ, शेयर करती हूँ और ऐसा कुछ रहता है मेरा बिहाइंड द सीन्स। और ये है अर्नव जो यहाँ पर खेल रहा है। तो जो भी आपको नॉइसेस सुनाई दे रही थी वीडियो में तो वो अर्नव ही कर रहा था। तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब ये खेल रहा है, इसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये खेल रहा था। तो अर्नव, आप क्या बना रहे थे इतनी देर से? म्यूजियम। सो सबको हाय बोलो। हाय एवरीवन। सो गाइज, ये बना रहा है म्यूजियम यहाँ पे और ये मुझे लग नहीं रहा है म्यूजियम। यहाँ पे गेट इसका, ये गेट है म्यूजियम का। सो गाइज, जो भी इसको सामान मिलता है ना, कोई भी चीज मिलती है शॉप में, तो सारी चीजों को इकट्ठा करके ये खेलता रहता है। बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है शॉप में और बिल्कुल कॉर्पोरेट करता है मुझे। अगर मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कस्टमर के साथ बिजी हूँ, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है ये, है ना अर्नव? अच्छे बच्चे हो ना, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अभी क्या करेंगे हम? पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी जो है टाइम जो है वो होने वाला है ऑलमोस्ट घर जाने का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको पढ़ाई करवा देती हूँ। तो चलो अर्नव, बुक्स ओपन करो सारी। इस तरह से मैं ना इसकी बुक साथ में लेके आती हूँ क्योंकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और हॉलीडेज होमवर्क मिला है तो वो कंप्लीट करेगा अर्नव। तो अर्नव बुक सारी निकाल लो, जो जो आपका काम रह रहा है ना वो फटाफट से कर लो, फिर हमने घर जाना है लंच के लिए, तो फिर चलेंगे। A few moments later. पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो गई है और अर्नव अपनी बुक्स को रख रहा है और अभी हम जा रहे हैं घर। लंच का टाइम हो गया है तो घर चलते हैं, फिर घर जाके मिलती हूँ आपसे। आगी हूँ और अभी लंच वगैरह करके दोबारा शॉप पे जाना है। तो अभी जो है लंच बनाना है, वैसे मैंने सब्जी बना ली थी तो अभी अर्नव और मैं ही हैं, तो बस अभी रोटी बनाएंगे और खा के दोबारा शॉप पे चलेंगे। मतलब एक घंटे का गैप लेती हूँ मैं बीच में, जैसे कि अभी मैं 1:30 बजे घर आई हूँ तो 2:30 बजे तक मैं दोबारा शॉप में चली जाऊंगी। A few moments later. लंच वगैरह हो गया और अभी मैं आई हूँ छत पे। तो आप लोग सोच रहे होगे कि इतनी ठंड में ये छत पे क्या कर रही है। तो छत पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे करनी थी वीडियो अपलोड और नीचे जो है बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू रहता है, तो इस वजह से छत पे फटाफट से वीडियो अपलोड हो जाती है। तो वीडियो हो गई है अपलोड और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। वैसे लंच हो गया है और अब सीधा जाना है शॉप पे। तो आप लोग देख सकते हो कैसा मौसम है आज, बहुत ज्यादा ठंड है, बिल्कुल भी धूप नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम है, मतलब हिल स्टेशन के करीब है यहाँ का टेम्परेचर। आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा ठंड है, बट क्या कर सकते हैं, शॉप पे तो जाना है, काम तो करना है। तो अभी चलते हैं शॉप पे, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। A few moments later. Hello.
सो गाइज, शॉप में आए हुए मुझे आधा घंटा से ऊपर हो गया है और ये जो सामान आप देख रहे हो ये सारा जैसे बिखरा पड़ा हुआ है। तो अभी कस्टमर आए थे और कुछ मंगलसूत्र सेल हुए हैं, कुछ बैंगल सेल हुई है और कुछ अंडरगारमेंट सेल हुए हैं। जो मंगलसूत्र हैं वो कम रेंज वाले सेल हुए हैं, बैंगल्स भी गुच्छे वाली सेल हुई हैं, जो डेली पहनने वाली बैंगल्स होती हैं, और ये अंडरगारमेंट्स कुछ सेल हुए हैं। तो सेलिंग जो है वो हो गई है और अभी मैं ये सारा सामान सेट कर देती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बिखरा हुआ, तो फटाफट से इसे सेट कर देती हूँ। आप अपनी शॉप में जरूर रखा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। वो क्या है? वो है ये सैनिटाइजर की बॉटल। और ये सैनिटाइजर की बॉटल इस टाइम आप जरूर रखो अपनी शॉप में, क्योंकि कोरोना वायरस जो है दोबारा से आ गया है, बट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट हो ही गई है सबको। बट फिर भी प्रिकॉशंस आपके हाथ में है, जब भी कोई कस्टमर आते हैं आपकी शॉप में आप हैंड जरूर सैनिटाइज करवाया करो और अपने भी हैंड सैनिटाइज जरूर किया करो। तो इस तरह की बॉटल आप अपनी शॉप में जरूर रखो। सो गाइज, आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।